Hello guys, this is the 6th lecture of bit manipulation series. In this video, we will solve one more problem. Let's see the problem. How many bits you need to represent a number n? Problem is simple. N ko represent karne ke liye kitne bit chahiye aapko? Bas ye batana hai. Suppose n is 11. Bit representation is 1011 and there are only 4 bits you need. Next example is n is equal to 105. Binary representation is 1101001. In this you need 7 bits. Let's see how we can solve this. First look at decimal number. N is equal to 107. तो 107 में कितने बिट डेसिमल के चाहिए होंगे? बिट मीन्स डेसिमल के कितने डिजिट चाहिए जिससे आप 107 को बना सकते हो? तो आंसर इज 3. अगेन 10503, आंसर इज 5. दिस इज सिंपली काउंट द डिजिट. सिंपल, इसमें आपको बस डिजिट काउंट करनी है डेसिमल नंबर की, वो आपका आंसर होगा. तो काउंट डिजिट फंक्शन है काउंट 0 व्हाइल n ग्रेटर देन 0 एंड काउंट प्लस प्लस और n को 10 से डिवाइड. सिंपल, लास्ट में काउंट को रिटर्न कर दिया. ये तो डेसिमल के लिए था. अगर यही चीज आपको बाइनरी में करनी हो तो सिंपल बस 10 की जगह 2 लिखना है. लेट्स सी फॉर बाइनरी, सिंपल जस्ट राइट 2 हियर. बट दिस सॉल्यूशन टेक्स लॉग एम टाइम. लॉग एम एम हियर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट. बड़ी वैल्यू नहीं लेगा ये, बट लाइन ऑफ कोड इज मोर. क्या हम इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं? बस एक लाइन के कोड से. तो आंसर है यस. नाउ सी कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन. अगर अब डेसिमल की बात करें तो अगर n 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, क्योंकि इसका बेस 10 होता है. तो 10 की पावर 2. बट इसमें डिजिट कितनी है? 3. तो आंसर क्या है? 2 + 1 = 3. इसकी बात करें तो 10 की पावर 4 + something, दिस मीन्स दिस विल गिव यू द रिजल्ट इन पॉइंट और दिस इज 1 एट, तो दिस विल गिव यू द 5. तो डेसिमल में डिजिट काउंट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं? लॉग बेस 10 एन प्लस 1 और उसका फ्लोर. अगर आप सी और सी प्लस प्लस जावा में कोड कर रहे हैं तो फ्लोर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज स्ट्रांगली टाइप्ड है. स्ट्रांगली टाइप मतलब है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कोई भी वेरिएबल पहले उसको यूज करने से, उसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करने से पहले उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है. तो इसमें अगर आपने इसको इंटीजर डिक्लेयर कर रखा होगा तो ये ऑटोमेटिक इंटीजर वैल्यू ही लेगा. बट गुड प्रैक्टिस इज यूज फ्लोर बिकॉज पाइथन इज नॉट अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. सो पाइथन में ये प्रॉब्लम हो जाएगी. तो सिंपल गुड प्रैक्टिस यूज फ्लोर. सिंपल, अगर आपको बाइनरी में करना है तो बस लॉग 10 की जगह लॉग 2. दिस विल गिव यू द रिजल्ट. दिस वॉज द सिंपल प्रॉब्लम. This is not used so much, but somewhere we can use this. We will see in later videos where I will use this. I am not doing the code for this because this is a one line code. Thank you for watching.